सभी भाइयों नमस्कार। मेरा नाम वैसे तो यूनुस है, लेकिन मैं रैप करता हूँ, रैपर हूँ, इसलिए लोग रैपर नवाब के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। तेरे खत सारे छुपा के रखे हैं, दिल की अलमारी में सजा के रखे हैं, कि तेरे खत सारे छुपा के रखे हैं, दिल की अलमारी में सजा के रखे हैं। एक रोज़ तू आएगी तो इश्क जाहिर करूँगा, इसलिए दुनिया की नज़रों से छुपा के रखे हैं। और इसलिए दुनिया की नज़रों से छुपा के रखे हैं। माना तेरी शादी लग चुकी है, माना तेरी शादी लग चुकी है, लेकिन मेहंदी के हाथ तो मेरे नाम से रचा के रखे हैं। और मुफलिसी में काट ली हमने भी बहुत रातें, मुफलिसी में काट ली हमने भी बहुत रातें, तू आ तो सही तेरे स्वागत में चांद तारे बिछा के रखे हैं। शुक्रिया जी। एक और मिसरा पेश करूँगा कि उनका मेरे जहन में भटकना बहुत खलता है, यादों की लपट से पूरा बदन जलता है, वो मिले ही क्यों जब बिछड़ना था, वो मिले ही क्यों जब बिछड़ना था, खैर जाने दो यार, ये जमाना या आना जाना चलता है। कि तेरे इश्क में कोई फरियाद ना करेंगे, बहुत हुए बर्बाद अब खुद को बर्बाद ना करेंगे, कि तेरे इश्क में कोई फरियाद ना करेंगे, बहुत हुए बर्बाद अब खुद को बर्बाद ना करेंगे, कितनी भी परेशानियों ज़िंदगी में सह लेंगे, लेकिन इतना पता है तुझे याद ना करेंगे। तूने कहा था कि तेरे लिए ज़माने से लड़ जाऊँगी, तूने कहा था कि तेरे लिए ज़माने से लड़ जाऊँगी, अरे जा यार, तेरी बात का विश्वास ना करेंगे। शुक्रिया जी। उनकी मोहब्बत में हम कुछ यूं बदनाम हुए, कभी बिके तो कभी नीलाम हुए, कि उनकी मोहब्बत में हम कुछ यूं बदनाम हुए, कभी बिके तो कभी नीलाम हुए, और बेवफाई के सारे इल्ज़ाम हम पर लगाए गए, वफा के सारे इनाम उन्हीं के नाम हुए। जी मिडिल क्लास वाले सारे वहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा उनके लिए, कि जिम्मेदारियों ने हमें कहीं का ना छोड़ा, कभी दिल तोड़ा कभी सपना तोड़ा, परेशानी देख कमाने कुछ यूं निकल पड़े, यार समझ नहीं आ रहा था कि मुल्क छोड़ा या घर छोड़ा, यकीनन उसका नायाब खिलौना था मैं, यकीनन उसका नायाब खिलौना था मैं, जिसने मुझे तोड़ने के लिए बार बार जोड़ा। एक और, हमें भी सपने मारने पड़ते हैं, बनना हम भी कुछ चाहते हैं लेकिन डरते हैं, कि हमें भी सपने मारने पड़ते हैं, वरना हम भी कुछ चाहते हैं लेकिन डरते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ रखा सर हटा तो नहीं सकते, कि जिम्मेदारियों का बोझ रखा सर हटा तो नहीं सकते, इसलिए मेहनत के सौदागरों से रोज़ लड़ते हैं। और पैसे उड़ाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है साहब, पैसे उड़ाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है साहब, हम छोटे लोग हैं साहब, पैसे बड़ी मेहनत से कमाने पड़ते हैं। जी कुछ लाइनें पेश कर रहा हूँ। कि तेरे जाने के बाद खुद के दिल में झांक रहा हूँ, कि तेरे जाने के बाद खुद के दिल में झांक रहा हूँ, दीवारों से अपना दुख दर्द बांट रहा हूँ, और तू वादों की बड़ी कच्ची निकली यार, तू वादों की बड़ी कच्ची निकली यार, छोड़ जाने का इरादा तूने किया था और सजा मैं काट रहा हूँ। भाई बदायूं से हूँ तो कुछ दो लाइन बदायूं के लिए, कि बदायूं का लड़का हूँ उबाल अपने खून में है, कि बदायूं का लड़का हूँ उबाल अपने खून में हो, खून में है, क्या बोला तू मुझे मिटाएगा, अबे तेरी तबीयत तो सुकून में है। जी बदायूं पे दो लाइन और, बदायूं के शेर हैं ना किसी से डरते हैं, बदायूं के शेर हैं ना किसी से डरते हैं, जिनकी उम्र मिट्टी चाटने की लड़ने की बात हमसे करते हैं। ये थोड़ा कुछ इंसानियत के ऊपर, जो लोग आजकल जात पात ये सब चीज़ लेके चल रहे हैं, तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि चलो आओ एक दूसरे को समझते हैं, तुम हमारी कुरान पढ़ो हम तुम्हारी गीता पढ़ते हैं, कि चलो आओ एक दूसरे को समझते हैं, तुम हमारी कुरान पढ़ो हम तुम्हारी गीता पढ़ते हैं, बने हम एक मिट्टी से हैं फिर आपस में फ़र्क क्यों समझते हैं, खुदा आपका भी आसमां में खुदा हमारा भी आसमां में, मसला सिर्फ इतना कि आप भगवान हम अल्लाह समझते हैं, लगता है इनके ईमान ज़्यादा सस्ते हैं तभी तो चंद पैसों के लिए बिकते हैं, लगता है इनके ईमान ज़्यादा सस्ते हैं तभी तो चंद पैसों के लिए बिकते हैं, ओए हिंदू ओए ये मुस्लिम
अरे यार, इन सब बातों से क्या फ़ायदा? क्यों हम आपस में लड़ते हैं? आओ, इन बातों से क्या फ़ायदा है? क्यों हम आपस में लड़ते हैं? खैर, जाने दो यार। आओ, एक दूसरे को समझते हैं। हम तुम्हारी वो तुम हमारी कुरान पढ़ो, हम तुम्हारी गीता पढ़ते हैं।